नागपुर शहर के गणेशपेट पुलिस ने एक दुपहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। ये चोर बालाघाट का रहने वाला है और बालाघाट से ट्रेन से आकर वो चोरियां करता था। गणेशपेट पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने एक व्यक्ति को संदेह के चलते उसके दुपहिया वाहन के साथ गिरफ्त में लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि जो गाड़ी उसके पास थी वो चोरी की है और उसकी शिकायत गणेशपेट थाना में दर्ज है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी लखपति पेंटर से कड़ी जांच शुरू कर दी। कड़ी जांच के बाद चार और दुपहिया वाहन चोरी की वारदातें सामने आई है। खास बात यह है कि आरोपी को शराब की लत है और वो चोरी करने के लिए बालाघाट से नागपुर ट्रेन से आता था और गाड़ी चोरी करने के बाद वो गाड़ी एक जगह रख देता था और उसके बाद उसे बेच देता था। पुलिस ने आरोपी से 1,00,000 रुपए का माल जब्त किया है। गणेशपेट पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल्स रात को पेट्रोलिंग कर रहे थे। 14 तारीख को उन्होंने एक किस्म को संशय के तौर पर उसको पकड़ा और उससे पूछताछ करने पर वो ठीक ढंग से मालूम नहीं दे रहा था, इसलिए उसके ताबे में जो टू व्हीलर थी वो टू व्हीलर लेके वो पुलिस स्टेशन में उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया गया। वो जो हमारे बीट मार्शल थे उनका एक सुमेध और सागर, ऐसे दो बीट मार्शल्स ने इसको पकड़ा था। फिर हमारे डीबी टीम ने, हमारे पीएसआई डोईपुड़े और डीबी टीम ने उसको इंट्रोगेट करने के बाद उसके ताबे में जो गाड़ी मिली वो गाड़ी अपराध क्रमांक 358/2024 में हमारे गुन्ने में वो चोरी हुई थी, ऐसी मालूम मिली। फिर हमने उसको अरेस्ट करके उसका तहकीकात की। उसके इन्वेस्टिगेशन में उसने और चार गाड़ियां जो चोरी की थी उसकी मालूम दी और टोटल हमने इस शख्स से 5 गाड़ियां जब्त की। उसका नाम है लखपति बस्तराम फेंडर। ये 27 साल की उम्र का और पिंजारी मोहल्ला बालाघाट का रहने वाला है। पहले भी इसके ऊपर बहुत सारे मोटरसाइकिल केसेस, चोरी के केसेस दाखिल है। तो ये बालाघाट से इतवारी में उतरता है, ट्रेन से आता है और उसका दारू पीने का उसको आदत है। दारू पीने की आदत है इसलिए वो चोरी करके वो गाड़ियाँ ले जाके उसको बेचने का वो ट्राई करता है। हमारे एक इन्वेस्टिगेशन में मुलताई में उसने एक गाड़ी लगाई थी, उसको ग्राहक नहीं मिल रहा था इसलिए वो गाड़ी बेची नहीं गई। वैसे इधर भी उसने 2 गाड़ियाँ जो चोरी करके लगाई थी वो गाड़ी भी हमको मिली है। उसको ग्राहक नहीं मिलने के कारण वो जो गाड़ियाँ हैं वो बची थी। उसके पास की एक और अन्य 4, ऐसे हमने 5 गाड़ियाँ टोटल 1,00,000 अंदाजन 1,00,000 रुपये के माल को हमने जब्त किया है। ये नागपुर में कहीं रहता नहीं है, ये इधर आता है ट्रेन से और यहाँ पे ही ऐसे फुटपाथ पे ही सोता है या स्टेशन पे सोता है। दारू पीने की आदत है उसको और यहाँ आने के बाद वो गाड़ी चुराता है और गाड़ी चुरा के किधर तो भी लगाता है और बाद में ग्राहक ढूंढ के उसको बेचने की कोशिश करता है। इससे ऊपर पहले भी लकड़गंज पुलिस थाने में वो अरेस्ट है और वहाँ के भी केसेस उसमें उसके ऊपर दर्ज है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।